हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कंप्यूटर टेबल विथ स्टडी टेबल जो यहाँ पर हमने रेडी किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं, इसमें हमने ऑफ वाइट कलर की नॉर्मल सनमाइका लेमिनेट यानी यूज़ करके प्लेन कलर में इसको रेडी किया हुआ है, जिसकी साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बता देता हूँ टॉप की, जो यहाँ पर हमने कंप्लीट की हुई है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं, जैसे हमने इसकी चौड़ाई ये है 2 फीट रखी हुई है, उसी के साथ आप इसकी लंबाई देखेंगे तो 4 फीट यानी कि 4 फीट बाई 2 फीट का ये हमने इसका टॉप सेट किया हुआ है कंप्लीट। और जो आप इसमें नीचे देख रहे हैं, उसके नीचे की हमने टेबल की गहराई इसकी 18 इंच रखी हुई है, यानी कि 6 इंच का इसका हमने टॉप बाहर निकाला। उसी में साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नीचे इसमें बफर बुश PVC वाले यूज़ किए हैं, जिससे कि आपका टेबल ख़राब ना हो, इसमें पानी वानी ना लगे और खिसकाने में काफ़ी आसानी से आप इसको इधर उधर खिसका सकते हैं। और प्लेन कलर में इसको हमने पूरा ओके किया हुआ है और काफ़ी कम खर्चे में ये पूरा जो हम देख रहे हैं टेबल ओके किया है यहाँ पर। तो इसमें आपको इस साइड में दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर हमने एक सेल्फ डाल करके ये ओपन बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें आपको जैसे कुछ बड़ा या छोटा सामान रखना तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो डोर्स देख रहे हैं, इसकी डोर्स की साइज़ हमने 18 इंच चौड़ाई रखी और साथ ही साथ इसकी जो टेबल की कंप्लीट ऊंचाई है वो 32 इंच यहाँ पर हमने रखी हुई है। 32 इंच ऊंचाई में इस टेबल को पूरा कंप्लीट किया है, जिसकी साइज़ आपको मैंने बताई 4 फीट बाई 2 फीट इसका टॉप है। उसी के साथ इसकी ऊँचाई हमने कम्प्लीट 32 इंच रखी है। और साथ में आप देखेंगे कि ये जो हमने इसमें बॉर्डर लगाई हुई है, इसको 1.5 इंच मोटा करके यहाँ पर प्लाई यूज़ करके ओके किया हुआ है, ताकि इसमें काफ़ी मजबूती आए। तो फ्रेंड्स, जो आपने टेबल देखा, इसकी मैं आपको कीमत बता दूँ, मात्र 4,500 रुपये में हमने ये टेबल ओके किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर हमने एक डोर देके इसमें कंप्लीट एडजस्टेबल और सामान रखने के हिसाब से पूरा ओके किया है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर आकर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।